Ducati, Ducati guys. Ducati. Oh my god. Honda ki thi maybe. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके डी व्लॉग्स। होप गाइज आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट हम निकल रहे गाइज बहुत ही खतरनाक जगह पे। आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जो इंडिया में भाई फर्स्ट टाइम होने वाला है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। टाइम चेक करो भाई, 9:12 हो रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ भाई धोला कुआं, वहाँ पे अपने हैशटैग भाई और रतन भाई अपना इंतजार कर रहे हो। हम जाने वाले भाई मोटो जीपी देखने। यस भाई, फाइनली गाइज जो इंडिया में इस बार फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है भाई मोटो जीपी, इस बार भाई इंडिया में हो रहा है, जो कि होने वाला गाइज नोएडा में अपना बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ना, वहाँ पे ऑर्गेनाइज है। 21, 22, 23, 24 ये लगभग 3-4 दिन का प्लान है अपना। और जो भाई मोटो जीपी गाइज अपने को देखने को मिलेगा ना, ओ माय गॉड, अगर इंडिया में गाइज ये नहीं ऑर्गेनाइज होता भाई अभी एकदम से देखना भाई मुश्किल था हमारे लिए, नामुमकिन के बराबर। क्योंकि देखना गाइज मोटो जीपी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने को देखना पड़ता। बट इस बार भाई, इस बार ना फर्स्ट टाइम गाइज इंडिया में हुआ, वो भी नोएडा में। तो इसीलिए गाइज हम जा रहे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जहाँ पे मोटो जीपी का भाई रेसिंग होने वाला है, जो कि वो होता है अपना ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग होता है। वो तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जो बाइक लवर भाई उनको पता ही है 46 नंबर गाइज कहाँ से आया है। तो मोटो जीपी गाइज जो चैंपियन बैठे पड़े ना भाई, 46 गाइज वहीं से आया। तो इसके अंदर काफ़ी सारे भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक अपना कई सारे ब्रांड भी है, जैसे कि हो गया अपना रेडबुल हो गया, मॉन्स्टर हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, टायर के होते हैं, प्लस जो मेन मुझे याद है अपना हो गया होंडा। इसके अंदर बाइक है गाइस काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिलने वाली है, जो सारी की सारी भाई फुली ट्रैक बाइक होती है अपना। इसके अंदर डुकाटी तो सबसे याद है, डुकाटी है इसके अंदर, तुम्हारा होंडा का है, एप्रिलिया की बाइक है, प्लस KTM की। तो ये सारी भाई पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जो पार्टिसिपेंट के नाम है भाई वही जाके मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि भाई नाम बड़े तगड़े हैं उनके। तो गाइस फर्स्ट टाइम आपके भाई को भाई मौका मिला है, टिकट भाई अवेलेबल हुए हमारे लिए, तो भाई हम जाना गाइस इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बोला चलो भाई चलते देख के आते हैं। लाइफ में गाइस पहला बार ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मोटो जीपी गाइस अपने आंखों से देखेंगे भाई। और मुझे भी भाई एकदम से पता चला कि भाई अपने को मोटो जीपी देखने जाना है। मुझे पता तो है गाइस मोटो जीपी भारत में भाई अपने इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन देखने जाने का कुछ अभी अपना प्लान नहीं था, क्योंकि भाई इसका टिकट ना गाइस सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। मुझे नहीं पता भाई रतन भाई ने कहाँ से अरेंज किया टिकट, इसके टिकट गाइस काफ़ी महंगे हैं। मेरे को सुनने में आया भाई अपना मिनिमम 800 से लेकर 800 वाले तो भाई ख़त्म हो गया, 2500 वाले मेरे हिसाब से है, 2500 या 5000 वाले। और मैक्स टू मैक्स टिकट का प्राइस जा रहा भाई लगभग 40,000 से लेकर 1,80,000 तक भाई साहब। तो गाइज ऐसा मौका भाई हम छोड़ नहीं सकते, तो आप लोगों के लिए भाई बिल्कुल नया होने वाला है कि मोटो जीपी भाई आपका दिखाएगा। एंड मैं तो गाइज खुद देख के आऊँगा भाई अपनी आँखों से, मतलब वो बाइक की साउंड और जो गाड़ी चलती ना गाइज 200-300 भाई किस तरीके से बिल्कुल रोड करते हुए जाएगी ना भाई, दिखेगी भी नहीं आँखों से। बट वही है, कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है, अगर फ़ोन अलाउड होगा ना तो आपके लिए वीडियो शूट करूँगा, कैमरा हेलमेट बहुत सारी चीज़ें भाई अलाउड ही नहीं है बिल्कुल, साफ साफ लिखा पड़ा टिकट के नीचे। तो देखते हैं गाइस कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है लाइफ में, मतलब फर्स्ट टाइम होने वाला है आपके भाई का। और यहाँ पर इंडिया में जितने बंदे भी भाई उनके लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भाई जो कि इंटरनेशनल एक रेसिंग गेम है इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी नोएडा में। हैशटैग भाई भी आ चुके, भाई रतन भाई कहाँ हैं, वेयर इज़ रतन मैन। तो गाइस एरा रतन तो काफ़ी पहले मैं आ चुका था, बट सही है भाई लोग भी आ गए गाइस, अब यहाँ से निकलेंगे भाई सीधा नोएडा, जो कि अपना बुद्ध इंटरनेशनल का ढूंढने वाला है। अभी चलो ब्रो, आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो गाइस यहाँ से अब जाएंगे भाई सीधा अपना जो मोटो जीपी ट्रैक पे, जो कि होने वाला बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है। फाइनली गाइस पहुंच चुके भाई हम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि पीछे देखो भाई सारे जो जो गाड़ी है यहाँ पे पार्टिसिपेट स्पॉन्सर सभी का भाई नाम लगा पड़ा, अपनी स्कूटी और ही बता ली, यहाँ जो बाइकों का साउंड हो रहा ना भाई खतरनाक साउंड कर रहे हैं इसे, और अपने भाई पास एंट्री लेते हैं, देन आवाज तो गाइस कतल आ रहा है। हेलमेट किस तरीके से यहाँ पे रखा है, जस्ट तीनों हेलमेट भाई हमने चैन से बांध दिया, और अपनी एरी बेताल पूरी हैशटैग की भाई गाड़ी, रतन भाई आगे से एंट्री लिया, गेट नंबर 8 से गाइस हमने एंट्री लेने, बाइक की साउंड सुनो देखो। तो फाइनली गाइस अभी भाई एंट्री मिल चुकी है, जो साउंड आ रहा भाई बाइकों की साउंड चेक करो, मतलब खतरनाक साउंड भाई भाई दिखाने वाला गाइस, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है मोटो जीपी देखने आया आपका भाई, और भाई लोग भी है, लेट्स मूव गाइस। भाई मतलब हल्का मजा आने वाले थे चक्कर भाई, बोल के भाई जो भी चक्कर ना भाई, इतना खतरनाक लीन तो भाई हमने भी नहीं देखा, पहले बाइकर देखते हिल गया मैं तो भाई, इतना तगड़ा लीन मार रहे गाइस।
भाई लेट जा रहा बंदा, कैमरा भी चल रहा है, बंदा लेट जा रहा गाइस, देखो भाई बंदा लेट जा रहा भाई, देखो ओ माय गॉड गाइस, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ओ भाई साहब लिटा दे रहे भाई ये तो पूरी बाइक को, पूरी गाइस पूरी की पूरी बाइक लेट जा रही, देखो डुकाटी डुकाटी गाइस डुकाटी, ओ माय गॉड होंडा की थी मे भी खतरनाक भाई साहब, ये तो भाई आतंक वाला सीन है गाइस यहाँ पे, चलो देखते हैं भाई पूरी जगह क्राउड में, देखो सिटिंग एरिया बट भैया धूप है फिर से आई भाई, यामा 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 डुकाटी भाई, सुनो ओ माय गॉड धूप बहुत खतरनाक है भाई, बट जो साउंड देखने को मिलना गाइस यहाँ पे पैसे वसूल भाई, हम तो भाई लीन देख के परेशान है, पूरी बॉडी झुक जा रही है भाई, मतलब कैसे इतना खतरनाक लीन है, गंदे बबलिंग कर रहे ना भाई वहां पे, जस्ट वहां पे फट आके देख रहे हो भाई, हाँ ग्राउंड हवाई उत्तरी क्या पब्लिक फिर से जब भाई टायर बबलिंग कर रहे ना भाई, हालत खराब हो जा रहा है, अब एक हल्का सा वहां पर थोड़ा सा क्रैश हुआ था बस, डुकाटी गाइस इसको डुकाटी गाइस स्पॉन्सर कर रहा है भाई अपना लेनोवो, और केटीएम को गाइस कर रहा है रेड बुल प्लस जो यामा की है उसको कर रहा है भाई मॉन्स्टर, तो सभी के स्पॉन्सर भाई तगड़े वाले, ये देखो फिर से अपनी हुई, मतलब इनकी भाई लीन का मैं फैन होगा, बस एक ही बेस्ट लगा क्या लीन मारे लो हाई स्पीड में, लगभग इनकी स्पीड होगी भाई 150-200 प्लस होगी, इससे कम नहीं है, अभी तो यहाँ पे लीन है इससे थोड़ा कम है, बट जो जैसे सीधा ट्रैक हो रहा है वहाँ पर काफ़ी तेज भाग रहे भाई, जो स्लो वाला डुकाटी आई थिंक, ओ भाई बिल्ली भी लग जा रही है भाई इनसे खतरनाक, धूप गाइस बहुत, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं डुकाटी वाले पे जो कि पूरा एरिया ऐसे धूप है, गर्मी बहुत लग रही है, बट वही है भाई देखे गाइस मज़ा आ रहा है, होंडा की रफ्तार और गाइस होंडा को रिप्रेजेंट कर रहा है रैपसोल, ओ भाई ट्रैक से बाहर गाइस, ट्रैक से बाहर ट्रैक से बाहर हो गया, कोई नहीं बैक टू द ट्रैक,
डुकाटी गाइस अभी ट्रैक से बाहर हो गई थी वहां पर जस्ट, बट वन सेकेंड वो देखो टीवी में देखो। जो लैप्स लग रहे हैं भाई अल्टीमेट लैप्स लग रहे हैं यहाँ पे, और हैशटैग भाई धूप में खड़े हैं पसीने से भाई हालत तो खराब है। बैठे यहाँ पे गाइस खाने पीने का भी वैसा नहीं है, वापस उतर के नीचे है खाने का, बट हम तो भाई यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। क्रेजी साउंड है भाई, क्रेजी साउंड है यहाँ पे। A few inches later. तो गाइस भाई ये रेस्ट लिए लैप, क्योंकि अभी खत्म हो गया सेकंड लैप अपना होने वाला जो कि 1:30 बजे स्टार्ट होगा। सारी फैसिलिटी है ये, खाने का पीने का सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, सारा और काउंटर बना रखा और पानी की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रॉपर है। चेक करो भाई पता नहीं कौन सी हार्डवेयर है, कैंपेन और ये स्पोर्ट द 7 डिफेंसेस देख रहे हो नेवले को, बट इसमें भाई हम पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं है, यहाँ से पानी लेके पिया जस्ट हमने, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी तो उधर मिल रहा है। चलते वापस से भाई ऊपर की साइड, एंड 1:30 बज चुके तो अभी स्टार्ट होने वाला अपना जो भी है ना सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। और यहाँ देखो ये है सारी फैसिलिटी, फूड स्टारबक का भी यहाँ पे काउंटर लगा रखा है, तो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। भाई फिर से स्टार्ट हो चुका है सेकंड लैप, और यहाँ से हमने भाई ट्रैक चेंज कर दिया, हम दूसरी जगह वापस आगे एंट्री लेके, और यहाँ से तो भाई अलग ही व्यू दिख रहा है। हाँ थोड़ा क्लोज चलते हैं आपको और क्लोज से दिखाएंगे। वो मेरा भाई RPM फुल लिमिटर आ गया, यहाँ से गाइस क्लोज देखने को मिलेगा अपने को। बाइक है भी चेंज है, जस्ट छोटा सा भी क्रैश हुआ। गाड़ी कैसे ला रहे डुकाटी थी अपनी, होंडा की थी, यामा की थी, बहुत सारी गाड़ी थी, ऑल अराउंड सबसे बेस्ट था। सेकंड लैप हमारा देखा हमने उसके अंदर भाई, मेरे हिसाब से थोड़ी लो सीसी वाली बाइक थी, बट वो लैप भी गाइस काफी अच्छा रहा। तो अभी निकल ले भाई घर की तरफ। फर्स्ट टाइम गाइज हमने यहाँ पे भाई विजिट किया है जो कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है नोएडा वाला, और जो अपना एक्सपीरियंस है गाइज काफी अच्छा था। एंड सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और इंडिया में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया जो कि नोएडा में, देख पाए टिकट लेके, तो भाई काफी ज्यादा भाई मजा आया। जिस कैटेगरी में गाइज हम भी काम कर रहे हैं भाई एंथुजियास्ट बाइक को लेकर, तो भाई मोटो जीपी गाइज अंत लेवल का होता है, इंटरनेशनल लेवल का मोटो जीपी होता है। पीछे हमारे हैशटैग भाई भाई भी गए थे साथ में वहाँ रतन भाई, तो सारे भाई अभी चल रहे वापस घर की साइड। वीडियो ऐसे यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आया, को लाइक कर देना और कमेंट कर बताओ भाई आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और मोटो जीपी आपके भाई ने दिखाया है कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो